आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी शपथ दिलाई, साथ में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनबी रमना ने शपथ दिलाई। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने जो भाषण दिया उसकी कुछ लाइनें आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से आती हूं वहां प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि होगा। साथ में कहा उन्होंने कि संसद में मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपका भरोसा और समर्थन मुझे नई जिम्मेदारी संभालने का बल दे रहा है। मैं पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जो आज़ाद भारत में जन्मी। हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों से जो उम्मीदें लगाई थी उन्हें पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, यह देश के सभी गरीबों की उपलब्धि है। मेरा नॉमिनेशन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकता है बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, यहाँ उन्होंने शपथ, आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई भी दी। राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ओडिशा के 64 खास मेहमान आए। शपथ के बाद खास मेहमानों के लिए लंच का आयोजन भी राष्ट्रपति भवन में किया गया है। इसके बाद सभी को पूरा भवन घुमाया जाएगा। मुर्मू ने देश की 10वीं राष्ट्रपति के, आपको बता दें कि मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मेहमान आए थे उनको राष्ट्रपति भवन घुमाया जा रहा है। आज द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उसके बाद उड़ीसा से 65 मेहमान आए थे जिनको राष्ट्रपति भवन घुमाया जा रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से मेहमानों को राष्ट्रपति भवन घुमाया जा रहा है। और इस अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन को पहले दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई गई, मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अंदर की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं 8 बजे के करीब की बात करें तो राजघाट पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहते गांधी समाधि पर गई और उसके बाद में कह सकते हैं राष्ट्रपति सदन भवन आई और यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति बनने की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अपनाई गई। 10:10 पर राष्ट्रीय गान किया गया, 10:15 पर उनको शपथ दी गई और शपथ के बाद में उन्होंने ये भी कहा अपने संबोधन के अंदर कि वो महिलाओं के हितों के लिए कार्य करेंगी और यहां तक कि देश को आगे ले जाने के लिए उनका भरपूर सहयोग रहेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। यहां पर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिसके लिए कहीं ना कहीं देश जो है वो पहले से ही तैयार होता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं उड़ीसा के जो कह सकते हैं गेस्ट आए हुए थे उनको भी अब राष्ट्रपति भवन दिखाया जा रहा है और लगातार उनको भवन के अंदर घुमाया जा रहा है और राष्ट्रपति भवन की बात करें तो उसके अंदर भी जिस तरीके से हर चीज को एक मेंटेन किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भी और हर तरीके से ये कोशिश की गई थी कि शपथ के दौरान जो गेस्ट होंगे या फिर कहे विधायक होंगे या फिर सांसद होंगे या फिर कहे और जो लोग होंगे या फिर कहे प्रधानमंत्री
मोदी होंगे, सबके लिए एक इंतजाम किया गया था। और शपथ के बाद में कहीं ना कहीं जो उन्होंने भाषण दिया यानी कि संबोधन किया, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोशिश करते हुए नजर आएंगी। जी राजीव, जब से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी उसके बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया था। विपक्ष का कहना था कि पहले दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया गया था लेकिन उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या द्रौपदी मुर्मू आदिवासी लोगों के लिए कुछ कर पाएंगी? देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर विपक्ष की बात करते, विपक्ष पहले से जब द्रौपदी मुर्मू ने एक नॉमिनेशन भरा था तो उसके दौरान भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई थी कि आदिवासी कह सकते हैं जो पिछड़े जातियों के लोग थे उनके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को उनके उनके बीच में से एक लेके आए थे और कहीं ना कहीं उनके हितों के लिए कार्य नहीं किए गए। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो जिस तरीके से कह सकते हैं आदिवासियों की बात करें तो उनके लिए हितों के लिए भी काम नहीं करेंगे, इस तरीके के जो विपक्ष के आरोप थे वो कहीं ना कहीं लगाए गए थे। मगर अब जिस तरीके से राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू जो है और लगातार कार्य करने के लिए यानी कि जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है और शपथ भी ले ली गई है, तो यानी कि सीधे सीधे कहे तो 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो आ चुकी है और राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद है। जी राजीव, एक चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। उन्होंने कहा मैंने आजाद भारत में जन्म लिया था, तो क्या जो उनके शब्द थे क्या इससे लोगों को एक नई प्रेरणा सीखने को मिलेगी? अच्छा बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो भाषण दिया गया था यहाँ पर संबोधित किया गया था उसके अंदर जरूर कहा कि वो जीत जो है यानी कि जो राष्ट्रपति की जीत है वो मेरी जीत नहीं है, आम जनता की जीत है, आम व्यक्ति की जीत है। तो उससे सीधा सीधा समझ जाता है कि ये देश के हित के लिए कितना अच्छा होगा। और जहां पर बात करें जिस तरीके से कह सकते जनता के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए कार्य करेंगे, हम मिलकर कार्य करेंगे और जनता के लिए जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आगे लाने के लिए भरपूर कोशिश करी जाएगी, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखे जाएंगे और लगातार कोशिश भी होती नजर आएगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की जाने की बात की जा रही है और जहां तक कि ये कहा जा रहा है कि पिछड़े लोगों के लिए भी कार्य किए जाएंगे, तो लगातार कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया शायद आने वाले दिनों के अंदर भी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि वो आदिवासी हो या फिर कोई और जाति का लोग हो तो वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कार्य करती हुई नजर आएगी। और सीधे सीधे कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया कि ये उनकी जीत नहीं है, ये आम व्यक्ति की आम जनता की जीत है। जी राजीव, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आदिवासी के बारे में बात कही उन्होंने, तो अगर आदिवासियों के लिए या आम लोगों के लिए भी देश के लिए कुछ करना चाहेंगी तो क्या उनको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो वो बिल्कुल कह सकते हैं विपक्ष की जो तीखे तेवर होंगे उनका भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बात करें आदिवासियों की या फिर कहें पिछड़ी जातियों की तो उनके लिए जिस तरीके से वो कार्य करेंगी वो जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिलता हुआ नजर आएगा और उस मौके को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। मगर यहाँ पर बात करें द्रौपदी मुर्मू की तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम करेंगी वो जरूर देखना होगा, जनता के हितों के लिए वो कितने बड़े कदम उठा सकती है ये जरूर देखना होगा। जी चलिए राजीव तिवारी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है।